आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी में तेजी लाते हुए उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में बात बनती हुई नजर आ रही है और ये भाजपा के लिए ये जोरदार झटका साबित होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों भाजपा को लगने वाला है जोरदार झटका, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज करते हुए सीटों के बंटवारे पर चर्चा जोर शोर से शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में बात बनती हुई नजर आ रही है, जिसे देख मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। इस बात की जानकारी देते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल की इस घोषणा ने इंडिया गठबंधन में दरार के सभी दावों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है, जल्द ही अन्य राज्यों में भी गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट दिखेगा और बीजेपी के लिए ये जोरदार झटका है। जहां एक तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिशों में लगी हुई थी, आए दिन गठबंधन के फेल होने की अफवाहें फैला रही थी, इस घोषणा ने उसकी सारी साजिशों को नाकामयाब कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।